हिमालया के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी और बेटी सुनहरी के साथ रहता था। एक दिन टुनटुनी कालू से कहती है, कालू जी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बाजार से जाकर कुछ खाने को ले आओ। पप्पा पप्पा, मेरे लिए फल भी जरूर लाना, मेरा मन फल खाने को हो रहा है। ऐसा करो जी, आज फल ही ले आओ, हम फल ही खा लेंगे। तुम दोनों चुप करो, ये क्या फल फल लगा रखी है। तुम लोगों को पता भी है कि हमारे पास पैसे नहीं है, फिर भी तुम लोगों का मन फल खाने को हो रहा है। अच्छा जी, नाराज क्यों होते हो, जो मिले वही लेते आना। कालू थैला लेकर बाजार निकल जाता है। रास्ते में उसे अपना एक डरपोक दोस्त बंटी कबूतर मिल जाता है। अरे बंटी, मेरे डरपोक दोस्त, कैसे हो, काफी दिनों से दिखाई नहीं दिए। भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं बचपन में डरपोक था, अब तो मैं बहुत बहादुर हो गया हूँ। खैर ये बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो। चलो दोस्त, तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ कि तुम डरपोक नहीं हो अब। खैर मैं तो बाजार सौदा लेने जा रहा था, और तुम कहाँ जा रहे हो। अरे दोस्त, मैंने सुना है कि जंगल में फलों की बारिश हुई है, मैं अपने लिए फल लेने जा रहा हूँ। मेरी बेटी का भी फल खाने को बहुत मन कर रहा था, चलो दोनों इकट्ठे चलते हैं और ढूंढते हैं कि कहाँ फलों की बारिश हुई है। फिर वो दोनों फलों वाली जगह ढूंढने निकल जाते हैं। रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है, ऐसे में उन दोनों से उड़ना मुश्किल हो जाता है, और वो दोनों एक दरख्त पर बैठ जाती हैं। बंटी कबूतर कहता है, बारिश तो बहुत तेज हो रही है दोस्त, हम फल कैसे ढूंढेंगे। यार अभी तो हम जंगल में आए हैं, थोड़ी देर सबर करो, जब बारिश आहिस्ता होगी तो हम ढूंढ लेंगे। यार बारिश बहुत तेज हो रही है, इससे पहले कि हम यहाँ फंस जाएं, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये कहकर बंटी कबूतर जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ गया। बंटी कबूतर की देखा देखी कालू कौवा भी अपने घर की राह लेता है। इतने में रास्ते में उन्हें एक जगह फलों की बारिश होती दिखाई देती है, वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। अरे इतने ज्यादा फल, मैं आज अपनी बेटी के लिए थैला भर कर फल लेके जाऊंगा, वो इतने ज्यादा फल देखकर खुश हो जाएगी। आज तो मैं जी भर कर फल खाऊंगा, इतने ज्यादा फल देखकर मेरा मन खुश हो गया है। इतने में राक्षस चील का वहां से गुजर होता है, ढेर सारे फलों को देखकर वो भी वहां आ जाती है। चील को देखते ही बंटी कबूतर वहां से भाग जाता है। कालू, तुम्हें नहीं पता कि ये सब फल मेरे हैं, इसीलिए देखो बंटी तुम्हारा दोस्त यहां से भाग गया है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब फल मेरे हैं। और तुम हो कि अभी तक इधर ही खड़े हो। बंटी तो इसलिए भागा है कि वो बहुत डरपोक है, वो आपको देखते ही भाग गया है चील की। और तुम जो अपने आप को बहादुर समझ रहे हो, अगर मेरे फलों को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। नहीं नहीं चील जी, ये सारे फल तो आपके हैं, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था, मैं भी बस जा रहा हूँ। फिर कालू कौवा भी खाली हाथ घर लौट जाता है। घर जाते ही टुनटुनी पूछती है, जी आप तो खाली हाथ ही लौट आए हो, आप तो खाने के लिए कुछ लेने गए थे, लेकिन आप तो ना फल लेकर आए हो और ना ही कोई और चीज। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर टुनटुनी चिड़िया कहती है,
आपको तो उस चील का पता है ना जी, वो धोखेबाज और चालाक है। आपको उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। खैर, मैं उसे जाकर अभी मजा चखाती हूँ। कहकर टुनटुनी चिड़िया उस चील के पास जाती है। चील आगे फलों को बेच रही होती है। टुनटुनी चिड़िया चील के पास जाती है और कहती है, ये फलों का टोकरा कितने का है? पूरे 200 रुपए का है। ठीक है, ये टोकरा मुझे दे दो। चील खुशी खुशी टोकरा टुनटुनी चिड़िया को दे देती है। अब मेरे पैसे भी टका लो। कौन से पैसे? मुझे पता है कि ये जंगल में फलों की बारिश हुई थी और ये फल वो है, और अगर तुमने मुझसे पैसे मांगे तो मैं सब पक्षियों को इकट्ठा कर लूंगी और वो फिर तुम्हारी अच्छे से दुर्गत करेंगे। ये सुनकर चील अपना सामू लेकर रह जाती है और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी वो फल घर लेकर आती है और अपने परिवार को देती है। झांगा मांगा के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। पहाड़ी जंगल होने की वजह से अचानक काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। इतने में सुनहरी और पिंकी दौड़ते हुए घर आई। घर आते ही पिंकी बोली, माँ देखो ना, हम दोनों खेल रहे थे, मैंने दीदी को आउट कर दिया था, अब मेरी बैटिंग की बारी थी। दीदी मेरी बैटिंग की बारी देने की बजाय दौड़ती दौड़ती घर आ गई है। माँ बारिश जोर से शुरू हो गई थी इसलिए मुझे घर आना पड़ा, बोला ना कल इसकी बारी दे दूंगी। पिंकी बेटा, अगर दीदी कह रही है तो वो कल तुम्हारी बारी दे देगी। ऐसे भी देखो तो जोर से बारिश शुरू हो गई है। ऐसा करो, अब तुम दोनों हाथ धो लो, मैं तुम दोनों के लिए रोटी लेकर आती हूँ, फिर तुम दोनों रोटी खाकर सो जाना। माँ मैं सूखी रोटी नहीं खाऊंगी, मेरे लिए रोटी के साथ कुछ और भी लेकर आओ। मम्मा मम्मा, मैं भी सूखी रोटी नहीं खाऊंगी, सूखी रोटी खा खा कर मेरा मुंह दुखने लगा है, और ऐसे भी आज मेरा मन जलेबी खाने को हो रहा है। सिद्ध नहीं करो बच्चों, आज रोटी खा लो, मैं कल तुम्हारे पिता से बोलूंगी कि वो तुम्हारे लिए कुछ और ले आए। लेकिन वो दोनों बिना खाना खाए ही सोने चली जाती हैं। जैसे ही रात होती है कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू को देखते ही टुनटुनी चिड़िया कहती है, आज तो पिंकी और सुनहरी बिना रोटी खाए सो गई हैं। वो दोनों जिद कर रही हैं कि वो अब से सिर्फ रोटी नहीं खाएंगी। क्या करूं भगवान, मैं खुद रोज रोज सूखी रोटी खाकर उकता गया हूँ। आप अपने किसी दोस्त से बात करो ना जी, वो आपको काम पर रख ले, इस तरह हमारे दिन भी अच्छे हो जाएंगे। आज भी मैंने अपने बहुत से दोस्तों से बात की है, लेकिन कोई भी मुझे काम पर रखने के लिए तैयार नहीं। खैर अब सिर्फ पंटी ही बचा है, कल मैं उसके पास जाऊंगा, देखो वो मेरी क्या मदद करता है। फिर अगले ही दिन कालू कौवा बंटी कबूतर के पास जाता है। यार बंटी, अगर तेरे पास मेरे लिए कुछ काम है तो मुझे बताओ, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। यार तूने आने में देर कर दी, मैंने कल ही एक पक्षी को काम पर रखा है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अरे ये तुम क्या खुद से बातें किए जा रहे हो, मुझे भी बताओ क्या हुआ है।
यार वंटी, मेरे बच्चे कल रात से भूखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया। मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। यार कालू, इस वक्त मेरे पास ढेर सारा अंगूर है, वो मैं तुम्हें ला देता हूँ। तुम वो अंगूर खुद खा लेना और अपने बच्चों को भी देना, और उसके बीज को आंगन में दबा देना, और फिर थोड़े ही दिनों में चमत्कार देखना। फिर कालू कौवा अपने दोस्त से अंगूर लेकर घर आता है और अंगूर अपने बच्चों को खाने के लिए देता है और बीज को आंगन में दबा देता है। थोड़े ही दिनों में अंगूर तैयार हो जाता है। फिर टंटुनी और कालू अंगूर तोड़कर उसको बाजार में अच्छे दामों बेच देते हैं और उससे खूब नफा कमाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।